क्या शेयर कर फोटो देखें फिर करें। हेलो हेलो यस यस प्लीज। अच्छा, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ सेशन, आई गेट बैक टू यू। जी आई कॉल यू बैक। डॉक्टर एंजल, जो हम ऑडियो वीडियो प्ले करेंगे उसका उसका ऑडियो भी रीच करना चाहिए। अच्छा यहाँ जरूरी मतलब मैम जो बोल रही है उसके ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को सुनेगा ना उसका सारा ऑडियो? ठीक मैम बोल रही है उसके लिए मैं हैंड माइक कह रही थी, यही वाला माइक है। ओके पीपीटी तो मैं चेंज कर लूंगी, बस जो प्ले करना होगा ना वो गलत नहीं करा रहे। कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। So you got a lot of amusement seeing a participant sleeping in an online session. And I hope online participants are also listening. So please switch on your camera while people are watching it. But nothing of that much amusement. After lunch, you people also sleep many a times sitting in physical classrooms. So take it as a normal activity because we can see many people sleeping in offline sessions as well. That is another thing that he is in the comfort of his home, so he's lying on bed and sleeping. That luxury we can't afford you here. So you have to sit and sleep if you are feeling drowsy. Bed we cannot arrange. Online mein they can arrange their own beds. ठीक है, सो लेट अस कम बैक टू दी सेशन। सो दिस इज अबाउट डिजिटल रिसोर्सेज फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट्स, टाइम्स टाइप्स एंड फॉर्मेट्स। सो वी आर हियर टू गेट एक्सपोज टू हाउ टू डेवलप ई कंटेंट। सो यू शुड नो व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ ई कंटेंट्स दैट वी एज टीचर्स नीड टू डेवलप। सो दिस सेशन इज टू ओरियंट यू अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ ई कॉन्टेंट। जैसे ऑडियो एक फॉर्मेट है, फॉर्म है, वीडियो है, सिमुलेशंस है। सो देर आर मेनी वेराइटीज ऑफ ई कॉन्टेंट डेवलपमेंट। अंटिल एंड अनलेस यू गेट एक्सपोज टू ईच वेराइटी यू वॉन्ट गेट एन आइडिया। एंड ऑल्सो दी टूल्स इन कंसिक्यूटिव सेशन वी विल बी एक्सपोजिंग यू टू डिफरेंट टूल्स यूजिंग विच यू कैन डेवलप सच रिसोर्सेस। ऑडियो के लिए आप क्या किस तरह से डेवलप कर सकते हैं रिसोर्सेज, वीडियो हाउ कैन यू डेवलप वीडियोज, हाउ कैन यू डेवलप सिमुलेशंस और योर कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ टीचर, एज एजुकेशनल प्रोफेशनल हैव टू बी इन डेवलपिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ ई कॉन्टेंट। सिमुलेशन यू कैन नॉट डेवलप इंडिपेंडेंटली, वी हैव टू हैव अ टीम टू डेवलप सिमुलेशन, प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ सिमुलेशंस, बट इट शुड हैव अ साउंड स्क्रिप्ट, देन ओनली वी कैन डेवलप अ गुड क्वालिटी सिमुलेशन। सो नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ई कॉन्टेंट। लेट अस या प्रोसीड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड, ये हटा दो ब्लैक इसमें से, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय डिजिटल रिसोर्सेस। सो डिजिटल रिसोर्सेस आर ई टेक्स्ट, यहां भी ई लग गया, दैट मीन इट इज इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल थ्रू वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। सो ई टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, वॉइस नरेशन, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, इमेजेस, ग्राफिक्स,
They can be singly and they can also be in combination to create a fictional or non-fictional media or multimedia narration. Single media bhi ho sakta hai. It can be a single media like audio or video. Video also combines audio with it. And a combination of various medias can also be there to create a multimedia content. So how to integrate technology or ICT or digital resources in teaching, learning and assessment? That also need to be understood, because these resources we are not preparing for entertainment. These resources which we will talk about and we will learn to create are educational resources. So for educational resources, they need to be integrated in our teaching learning plan. Yes, koi entertainment resource hota hai, like koi short movie hai ya feature film hai. So how do you consume it? You just watch it as an independent viewer. That is how we do it. But educational media ka ye purpose nahi hai. क्योंकि अगर एजुकेशनल मीडिया का भी यही पर्पस है, वी प्ले अ रिसोर्स, चिल्ड्रन वॉच द रिसोर्स एंड दे लर्न एंड दे परसीव वॉट एवर दे थिंक दैट मीडिया पीस ऑफ मीडिया इज कम्युनिकेटिंग टू देम, तो फिर वॉट इज द रोल ऑफ टीचर्स देयर? तो कोई भी रिसोर्स इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ टीचर, टीचर का रिप्लेसमेंट वो नहीं है. इसीलिए वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल रिसोर्सेस, डोंट टेक इट एज एंटरटेनमेंट रिसोर्स वेयर इन वी डोंट वॉन्ट एनी फैसिलिटेटर टू लर्न अबाउट दैट मूवी और पीस ऑफ मीडिया, और वी लीव इट टू द ऑडियंस ऑल्सो टू परसीव वॉट एवर दे वॉन्ट टू और वॉट एवर दे आर परसीविंग आउट ऑफ दैट मीडिया. सबका अपना अपना परसेप्शन होता है. एक ही फिल्म है, we can do different interpretation of that movie or audio or video or any resource. Lekin educational media mein we are not leaving it to student to perceive or to learn whatever communication they are receiving out of it. We have to keep them on track to achieve the learning outcome for which a particular piece of communication or resource has been developed. So there should always be a learning outcome or objective behind any resource. Then only it becomes an educational resource. Is that clear to everyone? So we can't take that liberty of interpretation. So teacher should be facilitator. वापस बैठ जाओ. इसीलिए ये एक मॉडल है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो उसको कैसे करना है एंड व्हाट फाउंड दिस ऑन द वेब फॉर इंटीग्रेट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. चेक इट आउट. ऑन हो गया. मॉर्निंग सेशन में भी आई टॉक्ड अबाउट इट कि हमारे पास कंटेंट नॉलेज होना चाहिए, पेडागोजी होना चाहिए एंड वी शुड ऑल्सो नीड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. एंड दिस मॉडल इज कॉल्ड टिपैक मॉडल, वेयर टी के स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज विच अ टीचर शुड पोजेस, पी के स्टैंड फॉर पेडागोजिकल नॉलेज विच अगेन अ टीचर हैव टू पोजेस, एंड कंटेंट नॉलेज इज सी के इज कंटेंट नॉलेज दैट ऑल्सो teacher need to possess. And with a proper blend of technological knowledge, pedagogical knowledge and content knowledge, we can create an appropriate effective narration in a classroom. Hum kya karte hain class mein? We actually narrate to achieve a learning outcome. Here also we are into a kind of narration and I am using various pieces of media
to consolidate that narration so that the purpose with which I have presenting this should be achieved through you people who are sitting here in this call. So this model needs to be taken care of. If we are not taking care of this, we might fail in achieving the learning outcome. So here is one of the examples which I always give in various teacher training program, ki how possession of any knowledge, if we are not educationally oriented to just implement it, can become dangerous also. There were teachers in the gathering like this, and they created a VR resource, virtual reality resource, and they were very fascinated about it, that they have created a virtual reality resource. And what was that resource? So that resource was showing or demonstrating two children in a school uniform sitting on the floor with their knees bent, with their hands like that, and two cartoon characters were standing on their hands. And those cartoon characters were discussing English grammar, principles of English grammar, in a very strange modulation of voice. So do you think this resource is appropriate for to be developed into a virtual reality resource? I'm seeking your reactions on it. I have narrated the resource. That was the resource. How it appeared, I narrated. What was the content behind that resource? And what was the form of resource? Now you analyze it and tell me whether that resource was appropriate for the purpose it was created for. And if no, why? Okay. Anything else? Okay. More of an entertaining than... Yes. Entertainment wale part pe, maybe a child focuses more on the entertainment that was associated to it. Yes, right. Anything else? Characters are voice and body language. Actual content may not be... Yes, very right. Very true. Because when we cartoons modulate their voice, it appears more amusing to children. And if it is for entertainment, then they are focusing on the content also. But if some serious thing is being discussed and in a strange modulation of voice, so that may not focus a child's attention on the content being delivered, because there that modulation was not required. And most importantly, the VR technology was not required. VR technology is for 3D visualization. What tenses, verbs, and other principles of grammar have for 3D visualization? Is there any 3D visualization required for teaching English grammar? And if we are teaching to a child who is studying in class 3, the earth is spherical. So that needs a 3D visualization, because we all see, not only children, but we also see earth as flat. We don't see it as spherical. If we are talking about solar system, we cannot see the solar system. It needs a 3D visualization to visualize and understand it. So there we need AR or VR technology, but not for English grammar. So that is a wastage of technology if we are creating such resource where chalk and board is the appropriate technology, or a slide is an appropriate technology or resource to be integrated. So that is why technology knowledge hona bhi bahut jaruri hai, which is the appropriate technology for teaching what.
ओके कहाँ वीआर की जरूरत है, कहाँ एक हमें इंफोग्राफिक की जरूरत है, कहाँ ऑडियो की जरूरत है, कहाँ वीडियो की जरूरत है, दैट अ टीचर नीड टू एनालाइज. तो कंटेंट एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है कि फॉर विच कंटेंट विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज रिक्वायर्ड. कंटेंट नॉलेज भी हमें, वो तो हमें हम मानते हैं होना ही चाहिए. वी आर अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, एवरीबडी इज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, वी हैव टू बी लाइफ लॉन्ग लर्नर, बट इट इज मोर एप्लीकेबल फॉर टीचर्स व्हेन दे आर इनटू देयर प्रोफेशन. हम ये नहीं मान के चलते कि एक टीचर, अगर कोई व्यक्ति टीचर बन गया है तो उसके पास उस सब्जेक्ट का सारा ज्ञान है, वो हो ही नहीं सकता है. वी लर्न मेनी थिंग इन दी प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड इफ वी डू सो देन ओनली वी कैन बिकम अ प्रोफिशिएंट टीचर. और फिर कंटेंट नॉलेज है बट वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इट अप्रोप्रिएटली, तो वो नॉलेज होने का भी कोई फायदा नहीं है. अगर हम उस नॉलेज को बच्चे के लेवल पे आके नहीं कम्युनिकेट करते, कई बार टीचर्स की या टीचर एजुकेटर्स की भी ये टेंडेंसी रहती है कि उनको लगता है कि हमें अपना परफॉर्मेंस देना. वी पुट अ लॉट ऑफ जार्गन्स व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग टू इम्प्रेस द ऑडियंस. इफ मे बी ऑडियंस आर इम्प्रेस, सो दिस पर्सन पोजेसेस सो मच ऑफ नॉलेज, बट पहुंचा तो कुछ भी नहीं है उसमें से. तो वैसे भी इम्प्रेस करने का कोई फायदा है नहीं, और खास करके बच्चों को तो उससे हमें बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करना कि वी हैव टू गो अप टू द लेवल ऑफ अ चाइल्ड टू कम्युनिकेट अ कॉन्टेंट फॉर अचीविंग अ लर्निंग आउटकम विद विच दैट कॉन्टेंट इज अलाइंट. ये हमारा पर्पस होना चाहिए, इसीलिए पेडागोजिकल नॉलेज भी हमें होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट. तो कंटेंट एनालिसिस, आई स्पोक अबाउट कंटेंट एनालिसिस. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंटेंट एनालिसिस, सो देयर आर फाइव, दीज फोर टाइप्स ऑफ कंटेंट्स दैट वी डील विद. फैक्चुअल कंटेंट व्हिच आर अबाउट वेरियस फैक्ट्स व्हिच आर देयर इन डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट डोमेन एरियाज. देयर आर कॉन्सेप्ट्स, so that is conceptual knowledge when we deal with concepts. There are procedures, which is procedural content, procedural knowledge. So there are a lot of processes also that we deal with in different subject areas. And metacognitive knowledge like peace education, value education, we need to be understood, which need to be understood at the level of our emotions, it to reach our mind and our heart as well. So we have these nature of content in different subject areas. Can you give an example of factual content? In any subject any topic you belong to? Any topic on history, factual content. Any nahi hoga lekin. Everything in history are not facts, factual knowledge. There are procedural also, in history also, there are a lot of content which need to be understood at the forms of water, to our sense. Yeah? Forms of water. Forms of water. There are eight planets in the solar system. Eight planets in the solar system. So that is a fact and also a concept. दोनों ही, इट इज अ फैक्ट ऑल्सो. और फैक्ट के ये फैक्ट तो चेंज होते रहते हैं, नए प्लैनेट्स भी हमें पता चलते रहते हैं, पर जब तक जितना नॉलेज के बारे में हमें जानकारी है दैट इज फैक्ट. अर्थ इज स्फेरिकल इज ऑल्सो अ फैक्ट एंड बट इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो व्हेन इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड. दैट व्हेन वी मेक अ चाइल्ड बिलीव दैट अर्थ इज स्फेरिकल बिकॉज ही इज नॉट सीन, then we need to narrate that fact at conceptual level also. Ki how do a child understand this concept that earth is spherical? Aur ab tak ke jitne bhi scientific inquiries hui hain ya scientific discoveries hui hain uske basis pe ye ek fact hai ki earth is spherical. But we need to make a child also believe this fact. So then we need to understand it at the level of a concept.
Then a procedural knowledge. We learn a lot of processes also in different subject areas. Kisi bhi subject ka you can give an example. Computer mein programming. Programming, learning programming is a process. Very nice. Extraction of a machine. How to install anything in your computer, yes, right? Extraction of a metal. Hmm. Ha, extraction of metal. Right. Ha, biology mein kaun bol raha hai? Rock cycle. Hmm? Digestive system is also, digestion is a process which is carried out by the system called digestive system. So the process of digestion, yes. कई बार अक्रॉस क्लासेस भी एक प्रोसेस चलता है, ठीक है. हाँ, वाटर साइकिल इज ऑल्सो अ प्रोसेस, यस. हिस्ट्री में क्या प्रोसेस होते हैं? हाँ, क्रोनोलॉजी फैक्ट्स भी है कि कौन सी घटना कब हुई, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इवेंट्स and the cause and effect of events. So that involves a whole lot of process. जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है तो ये फैक्ट ही नहीं है, इसमें फैक्चुअल नॉलेज ही नहीं है. इट वॉज द होल सोसाइटल पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक सोशियो कल्चरल प्रोसेस. तो ये एक सोसाइटल प्रोसेस, फ्रेंच रेवोल्यूशन उसमें भी वो एक पूरा सोसाइटल प्रोसेस है या पॉलिटिकल प्रोसेस है, वॉट एवर यू कॉल इट. डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इज ऑल्सो प्रोसेस. अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो लैंड फॉर्म फॉर्मेशन, दोज प्रोसेसेस टेक प्लेस इन सेंचुरीज. मेनी सच प्रोसेसेस टेक प्लेस इन सेंचुरीज, बट द फॉर्मेशन ऑफ एनी लैंड फॉर्म इज अ process. So there are procedural knowledge also. And ab hum inka sabka example bhi dekhenge in the course of this presentation. Next. So these language mein bahut sare is tarah ke abstract thoughts and ideas hote hain which need to be understand at the level of our mind as well as our heart. Jaise ki hum वैल्यू एजुकेशन में बहुत सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं. हाँ, तो दैट नॉलेज, और वो हम देख नहीं सकते उसको कि वेदर दैट नॉलेज हैज बीन प्रोसेस्ड बाय अ चाइल्ड और नॉट. वो हमारे बिहेवियर में व्हेन पर्सनालिटी फॉर्म्स तो वो हमारा पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बनते हैं, वैसी बहुत सारी चीजें. ये है फॉर्म्स ऑफ ई कॉन्टेंट. तो माइंड मैप्स है, मैप्स, सिमुलेशंस, ऑडियो वीडियो, एडवर्टीजमेंट, इंटरएक्टिव मीडिया, इंफोग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स, एनिमेशंस, कार्टून्स, स्लाइड शोज, टाइमलाइंस, डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स. सो दीज आर सम ऑफ द वैरायटीज ऑफ डिजिटल कंटेंट. इसमें से कौन सा है जिससे यू पीपल आर नॉट फेमिलियर? उसमें पीछे वाले स्लाइड पे भी जाइए. हाँ ठीक है, एक एक करके ले लेते हैं. यस, माइंड मैप्स, मैप, सिमुलेशंस, बताइए कौन कौन सा जिससे यू पीपल आर नॉट फेमिलियर. एंड ऑनलाइन पीपल कैन राइट इन द चैट बॉक्स, उसको आप देखते रहिए. इंफोग्राफिक्स, ठीक है, सिमुलेशन, इंटरएक्टिव मीडिया, माइंड मैप, टाइमलाइन. मेकिंग का प्रोसेस तो इसके बाद आएगा. देन यू विल बी इंट्रोड्यूस टू वेरियस टूल्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग एनिमेशन.
But animation is a form of digital content. Here we are discussing different forms. और वो इसीलिए कर रहे हैं कि अगले सेशंस में जब आप वो टूल्स और सॉफ्टवेयर सीखेंगे, जो भी आपको इंटरेस्ट करे, यू कैन लर्न दैट पर्टिकुलर टूल सॉफ्टवेयर बेटर. इफ एनिमेशन इंटरेस्ट यू, मे बी यू कैन क्रिएट एजुकेशनल एनिमेशंस यूजिंग दी सॉफ्टवेयर विच विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड लेटर इन दिस वर्कशॉप. बट यू नो वॉट एनिमेशन इज. ठीक है, नेक्स्ट. अब हम देखते हैं माइंड मैप्स. हम सारे रिसोर्सेस यहाँ पर देखेंगे एक्चुअली कि जो डिफरेंट फॉर्म्स है, हाउ दे लुक लाइक, हाउ दे अपियर, व्हाट इज द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ देम. तो दिस इज अ वेरी क्रूड डायग्राम, माइंड मैप ऑन कॉमन फूड ग्रुप्स. यू कैन ग्रुप देम डिफरेंटली ऑल्सो. लाइक इसमें कैसे ग्रुप किया गया है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, बीन्स एंड लेगमस, फ्रूट जूस, वाटर, इसको हम लिक्विड भी कह सकते हैं, और उसमें वेरियस लिक्विड फूड ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा कन्फेक्शनरीज के बारे में है, मीट के बारे में है, डेयरी के बारे में है. हम इनके न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से भी इसको ग्रुप कर सकते हैं. सो वॉट हाउ अ कॉन्सेप्ट फॉर्म्स इन आर माइंड एंड हाउ वी प्लान टू कम्युनिकेट दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड इन अ माइंड मैप. माइंड मैप को एक प्रेजेंटेशन की तरह भी हम यूज कर सकते हैं कि हमने किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक माइंड मैप बनाया, देन वी कैन प्रेजेंट दैट कॉन्सेप्ट यूजिंग द माइंड मैप. एंड हाउ अ टीचर प्लान, हर टीचर का माइंड मैप एक ही कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग भी हो सकता है. हाउ वी ऑर्गेनाइज आर थॉट्स पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो वो माइंड मैप है. एंड वी कैन अनफोल्ड लर्निंग यूजिंग माइंड मैप. जैसे इसमें हम मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक को वी कैन जस्ट ब्रेक इनटू सब टॉपिक्स, और सब टॉपिक्स को भी वी कैन ब्रेक इनटू मोर रिलेटेड टॉपिक्स. और इस तरह से जब ये एक स्क्रीनशॉट है, लेकिन जब माइंड मैप आप बनाएंगे, जैसे कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इट इज एज इजी एज दैट. Free Mind, Free Plane, UV are some of the softwares that are used for creating such mind maps, and you will be getting a demonstration of a mind mapping software also. You can choose any software of your choice later and create mind maps. तो जब mind map होगा digitally available, तो उसमें बस बीच वाला आपको दिखेगा. जब उस पर क्लिक करेंगे तो सब टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे. फिर सब टॉपिक्स पे क्लिक करेंगे तो उससे अलाइन टॉपिक यू विल गेट. एंड लाइक दैट ग्रेजुअली यू कैन अनफोल्ड द लर्निंग दैट यू हैव और टीचिंग दैट यू हैव प्लान फॉर अ पर्टिकुलर क्लास. नेक्स्ट, यहाँ आप लोग ने ये भी बोला था, इन्फोग्राफिक एंड फ्लो डायग्राम. तो ये जो एग्जाम्पल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फोग्राफिक एज ऑल्सो एंड अ फ्लो डायग्राम ऑल्सो. इन्फोग्राफिक, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिक का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम इन्फोग्राफिक कहते हैं. तो ये पर्टिकुलर फैमिली ट्री इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिक का कॉम्बिनेशन, एंड देयर इज अ फ्लो ऑल्सो हियर, सो इट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड और called a flow diagram. और इसके ऊपर आप देखेंगे तो learning outcome भी है. And you are the people to judge whether this content is aligned to the indicated learning outcome. क्या है learning outcome? The learner identifies relationships with and among family members. The learner identifies relationships with and among family members. With and among में क्या difference है? With and among family members. ये बहुत clearly articulated learning outcome. With the family member and they themselves also have. Among the family भी क्या certain relationships है? तो ये infographic में हम देखेंगे कि रानी का family tree है. Rani's family tree is there. तो रानी का relationship इन सारे लोगों के साथ क्या है? ये रानी के दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, फूफा जी एंड बुआ जी हैं. मे बी इन सदर्न एरिया दीज रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड बाय सम अदर नेम.
So we can customize such resources, keeping in view our own local context. तो ये एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी की किताबों के नाम से नॉर्दर्न एरियाज में हम इन रिलेशनशिप्स को किन नामों से जानते हैं. रानी के मम्मी पापा हैं, मामा मामी हैं एंड रानी के कजन्स कवर किए गए हैं इस पर्टिकुलर इन्फोग्राफी के अंदर. पर यहाँ क्या सारे रिलेशंस कवर हो गए? अब अगर और इसमें बाकी रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेंबर हमें बताना पड़ेगा. विद तो एक्सप्लेन्ड है, मतलब दिख रहा है, बट अमंग फैमिली मेंबर हमें डिस्कस करना है क्लास में, क्योंकि इन्फोग्राफिक अपने आप में सफिशियंट रिसोर्स नहीं है या कोई भी रिसोर्स नहीं है कि बच्चा देख के उससे सीख लेगा. अब हमें ये इसके अराउंड हम डिस्कशन बिल्डअप कर सकते हैं क्लास में कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है. जैसे दादा दादी और नाना नानी स्पाउस है, ठीक है, और फूफा जी बुआ जी दादा दादी के ऑफस्प्रिंग्स हैं, पापा भी उनके ऑफस्प्रिंग हैं. तो इस सारे रिलेशनशिप कवर हुए हैं या नहीं होंगे? हाँ वो नहीं है. और क्या क्या नहीं है? वो नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे करिकुलम फ्रेमवर्क में भी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है, वी हैव टू एडियर टू द स्मॉल फैमिली नॉर्म. और वो अगर एनसीईआरटी की तरफ से चला जाएगा तो एनसीईआरटी को क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं कि एनसीईआरटी इज पॉपुलेटिंग लार्ज फैमिलीज. अगर हम किसी बच्चे को खेलते हुए भी दिखाते हैं सर पे आम की टोकरी रख के तो उस पे भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, एनसीईआरटी इज प्रमोटिंग चाइल्ड लेबर. तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑल्सो. दैट इज वाई इन दिस इन्फोग्राफिक वी हैव डेवलप्ड थ्री फैमिली ट्रीज टू कवर ऑल रिलेशनशिप एंड एडियरिंग टू द स्मॉल फैमिली नॉर्म. मैम द ट्री इज नॉट विजिबल ऑनलाइन. अच्छा क्यों नहीं दिख रहा? अच्छा वो स्टैंड अलोन भी है ना मेरे पास, उससे कर लो आगे. चलो अब हम इसको स्क्रॉल करते हैं. ये है शालिनी फैमिली ट्री. तो May I have your attention? अब ये दूसरा फैमिली ट्री है फॉर द सेम लर्निंग आउटकम. और इसमें हम देख रहे हैं शालिनी का फैमिली ट्री. और इसमें और भी रिलेशनशिप्स कवर किए गए. ताऊ जी आ रहे. हाँ, शालिनी इज द ओनली चाइल्ड. स्मॉल फैमिली नॉर्म को एडियर करें. So you can say that many of the faculty of NCERT they have single child. Okay, next. That we can do. That won't be become a point of criticism. Yeah. So ye Raju's family tree. हाँ वो भी दे सकते हैं, पर वहां बच्चे अपना भी बना के लाएंगे. लेकिन इस इन्फोग्राफिक से हम विद एंड अमंग फैमिली मेंबर रिलेशनशिप डिस्कस कर सकते हैं. आफ्टर दैट व्हाट असाइनमेंट वी कैन गिव टू देम, क्योंकि एक क्लासरूम मल्टीलिंगुअल क्लासरूम भी हो सकता है, मल्टीकल्चरल क्लासरूम भी हो सकता है. तो जब वो अपना फैमिली ट्री बनाएंगे तो मे बी दे कैन कम अप विद द नेम्स विद विच दे एड्रेस द फैमिली मेंबर्स. और तब एक मल्टीलिंगुअल, हम इसको लैंग्वेज लर्निंग से भी जोड़ सकते हैं. जब बच्चे अपना फैमिली ट्री बना के लाएंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द क्लासरूम, तो वो लर्निंग और ज्यादा बढ़ेगी. हाँ तो उसमें और बहुत चीज सीखेंगे बच्चे. बट इट कैन बी अ प्री एक्टिविटी ऑल्सो, प्री लेसन एक्टिविटी एंड पोस्ट लेसन एक्टिविटी ऑल्सो. इट इज अप टू द टीचर्स प्लान कि उसको वो प्री लेसन एक्टिविटी की तरह
लेते हैं या पोस्ट लेसन एक्टिविटी। पहले भी आप बच्चों को कह सकते हैं कि अपना फैमिली ट्री बना के लाइए, लेकिन सब फैमिली ट्री में सारे रिलेशनशिप्स कवर नहीं होंगे अगर बच्चे अपना अपना भी बना के लाएंगे। तो दिस रिसोर्स इज टू कवर ऑल द रिलेशनशिप्स जो बच्चे का जिनसे एक्सपोजर होता है अपने इमीडिएट सराउंडिंग में। नेक्स्ट, आप लोग टाइमलाइन की बात कर रहे थे, मॉर्निंग में भी डॉक्टर एंजल ने एक पॉलिसी पर्सपेक्टिव वाला वो शेयर किया था, वेर एवर वी आर डिस्कसिंग क्रोनोलॉजी, क्योंकि डेट सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है मेमोराइज करने में, याद रखने में। तो अगर हम टाइमलाइन को एज अ रिसोर्स यूज करेंगे तो डेट कैन रजिस्टर इन आर माइंड्स, और अगर हम डेट्स को बस वर्बली एक्सप्लेन करते जाएंगे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस को तो वो रजिस्टर नहीं होते। जब ये पूरा टाइमलाइन हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपको विजुअली दिख रहा है, ये सारे डेट्स भी दिख रहे हैं और डेट्स के साथ एसोसिएटेड इवेंट्स आर ऑल्सो देयर इन द टाइमलाइन। और अगर हम इसको 5 मिनट तक समझ के और फिर इसको 5 मिनट हम खुद देख लें फॉर सेल्फ लर्निंग, तो ये सारी डेट सीक्वेंस में आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएंगी। इट इज बिकॉज ऑफ द टाइमलाइन दैट वी हैव क्रिएटेड, दैट क्रोनोलॉजी विल बी देयर इन योर माइंड। और इसके बिना अगर हम बताएं कि ये इस साल इतना हुआ था, इस साल में ये हुआ था, इस साल में ये घटना हुई थी, तो वो डिफिकल्ट होगा जब तक कि आप फिर से सेल्फ लर्न नहीं करें। लेकिन 5 मिनट आप इसको गौर से देखें और इसके साथ अगर एक्सप्लेनेशन ऐड हो तो ये जो आप, क्योंकि उसी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, आप टीचर्स हैं, आपको पता होने चाहिए ऑलरेडी पॉलिसी पर्सपेक्टिव या कैसे ईटी का डेवलपमेंट हुआ, या आपको नहीं भी पता है बट यू आर वर्किंग इन द एरिया, तो इट इज एन एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट। तो टाइम लाइन से आपको बहुत जल्दी ये सारी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन डेवलपमेंट का यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायग्राम। तो यहां क्या है, ये डायग्राम से वॉटरफॉल फॉर्मेशन का प्रोसेस, इट इज रिलेटेड टू प्रोसीजरल नॉलेज ऑल्सो, प्रोसीजरल कॉन्टेंट, कि वॉटरफॉल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस और कैसे वॉटरफॉल फॉर्म होता है, क्या वो प्रोसेस है कि हार्ड रॉक के ऊपर से अगर कहीं से पानी आ रहा है और उसके नीचे सॉफ्ट रॉक है तो सॉफ्ट रॉक की अंडरकटिंग फास्टर होती है बिकॉज सॉफ्ट रॉक इज सॉफ्ट। तो अंडरकटिंग होते होते व्हेन इट हैपेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट सॉफ्ट रॉक इरोड्स एट अ फास्टर पेस एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देर इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ हार्ड रॉक विच इज फॉर्म्ड। देन व्हेन वॉटर फ्लोज स्टिल फ्लोज ओवर इट विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन दैट प्लेटफॉर्म ऑफ हार्ड रॉक ऑल्सो ब्रेक्स डाउन आफ्टर सम टाइम, दैट ऑल्सो इरोड्स, वो साइड से भी इरोड होगा और ऊपर से भी इरोड होता रहेगा। और ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, व्हेन यू सी अ वॉटरफॉल देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रोकन रॉक्स बेनेथ अ वॉटरफॉल। तो यहाँ हमें कितना टाइम लगा वॉटरफॉल फॉर्मेशन बताने में, व्हेन द डायग्राम इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, 1 to 2 minutes, और इस पर 30 सेकेंड, 40 सेकेंड्स और 1 मिनट के एनिमेशन भी हैं। अगर आप गूगल करेंगे द प्रोसेस ऑफ वॉटरफॉल फॉर्मेशन तो आपको वो एनिमेशन मिलेंगे, और एनिमेशन से और क्विकली हमें विजुअलाइज हो जाएगा हाउ वॉटरफॉल्स आर फॉर्म्ड। ऑल्दो इट हैपेंस इन सेंचुरीज बट हम 1 मिनट के अंदर बच्चे को ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज कॉन्क्रीट फॉर्म में विजुअलाइज करा सकते हैं। तो ये विजुअलाइज डायग्राम के माध्यम से भी हो जाती है कई चीजें, एंड बहुत सारी चीजें इसी को हम एनिमेशन से भी, वी कैन मेक चिल्ड्रन विजुअलाइज द प्रोसेस। नेक्स्ट, अब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कार्टून। क्या है ये,
तो देर इज अ फोटोग्राफ हैंग्ड ऑन अ ट्री एंड मिसिंग इज रिटन मिसिंग सिंस अ बिलियन ईयर्स एंड अदर एनिमल्स आर वॉचिंग इट. एंड वॉट इज दिस एनिमल विच वी हैव नॉट सीन इन जंगल हुज मतलब यू कैन इंटरप्रेट इट इन ऑन योर ओन वे बट द कॉन्टेंट दैट यू कैन अलाइन विद इट इवोल्यूशन ऑल्सो यू कैन अलाइन इवोल्यूशन ऑफ स्पेशीज यू कैन ऑल्सो अलाइन हाउ आर डिफरेंट स्पेशीज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट वॉट आर द रीजन्स बिहाइंड इट. डार्विन की अगर आप और हायर लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो भी आप बता सकते हैं हाउ स्पेशीज गेट इवॉल्व. जैसे हम ह्यूमन बीइंग के ही या कोई भी स्पेशीज है हम कहते हैं कि जो हम बॉडी पार्ट को ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे वो बॉडी पार्ट ही खत्म हो जाता है एंड वी इवॉल्व इन टू सम अदर शेप. पहले जो अर्ली ह्यूमन था उसकी टेल भी होती थी ऐसा था उसके जो वेरियस फॉर्म्स हैं लेकिन अभी तो हमारी टेल नहीं है होमो सेपियंस की. ठीक है तो इसी तरह से कान भी पहले बड़े हुआ करते थे. तो कान का काम क्या है केवल सुनना और जो हमारा सुनने वाला ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट रखना. तो धीरे धीरे वो शेप भी हमारी चेंज हुई. ह्यूमन भी पहले चार पैर से भी चलता था लेकिन वो फिर खड़ा होके चलने लगा. तो ये एक ह्यूमन के इवोल्यूशन का पार्ट है. तो ये इस तरह का कार्टून का पर्पस क्या है टू जेनरेट इंटरेस्ट इन द टॉपिक वार्मिंग अप द क्लास. ये वार्म अप करने के लिए काफी है. उसके बाद इट कैन टेक अस टू मेनी कॉम्प्लेक्स फिनोमेनास एंड वो क्लास वार्म अप हो जाती है एक इंटरेस्टिंग कार्टून देख के. और इसको किसी भी लेवल पे हम डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं इससे कि क्यों हमें एनवायरमेंट को सेफ रखना चाहिए. डार्विन का भी डिस्कस कर सकते हैं. तो इट डिपेंड्स व्हाट टॉपिक वी आर टीचिंग एंड वेयर दिस कार्टून इज सूटेबल. नेक्स्ट. तो ये एग्जांपल है कॉमिक स्ट्रिप का. इसको देखिए आप पढ़िए पढ़ पा रहे हैं क्या. ये तीन चार स्लाइड का एक कॉमिक स्ट्रिप है. इसका टॉपिक क्या रखा है किल दी एसिडिटी. एसिडिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम सब कभी ना कभी हमें एसिडिटी होती है और हम फेस करते हैं. तो यहाँ हम मेन टॉपिक का डिस्कस नहीं कर रहे हैं जब हम कार्टून के बारे में का टॉपिक देख रहे हैं तो वो है किल दी एसिडिटी. बट द कॉन्सेप्ट विच इज इंट्रोड्यूस थ्रू दिस कार्टून इज एपिथीलियल सेल द फंक्शन ऑफ एपिथीलियल सेल इन आर बॉडी इन आर स्टमक. तो शुरू में ही इट टॉक्स अबाउट दैट ऑल. हाँ तो किस क्लास में हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर हायर क्लास में कर रहे हैं तो वी कैन टेक द लर्निंग टू दैट लेवल. और अगर ये क्लास सिक्स्थ में था शायद ये कॉन्सेप्ट सिक्स्थ के साइंस में था तो वहां पर बस हमें उतना ही बताना है. और लेकिन हम इसको वेरी राइट आगे और कॉम्प्लेक्स लर्निंग भी इसी से के थ्रू ले जा सकते हैं टू आर चिल्ड्रन. तो इसमें ये दोनों कार्टून्स या कैरिकेचर कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं. जो लड़का है वो एसिडिटी फील कर रहा है कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है उसके स्टमक में. एसिडिटी टर्म भी नहीं उसको पता. तो लड़की उसको बताती है तुम्हें एसिडिटी हो रही है. तो एसिडिटी क्या होती है
कि फॉर्म हो जाता है एसिड जब हमारे स्टमक में, तो लड़के को एसिड का पता है, उसने कहा कि वो तो इरोसिव होते हैं, अगर हम वुड के पीस पे डालते हैं तो उसमें छेद हो जाता है, तो अगर मुझे अपने स्टमक में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो क्या स्टमक में भी छेद हो सकता है उससे। तो इससे कितने लॉजिकल और रियल टाइम एग्जाम्पल से हम उनको एपिथीलियल सेल से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, शायद वो उसको फिर भूलेंगे नहीं एपिथीलियल सेल को, कि देर इज समथिंग लाइक एपिथीलियल सेल्स जिससे एक म्यूकस एक्सट्रैक्ट होता है जो हमारे स्टमक की वॉल को कवर कर लेता है, जो हमें एसिडिटी के हार्मफुल इफेक्ट से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। और उसकी इजी रेमेडी क्या है, फिर वो रेमेडी के साथ ही कॉमिक स्ट्रिप एंड होती है कि अगर हम एक चिल्ड मिल्क पी लेते हैं तो उससे हमारी एसिडिटी को हम कम्बैट कर सकते हैं। हाँ, सो पूरा नरेशन ही वो दो कैरेक्टर के बातचीत से हो रहा है उसमें। ये एक 2D सिमुलेशन का एग्जाम्पल है जिसमें अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो मोस्टली आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश ओनली, ठीक है, कुछ अंग्रेज बैठे होंगे जिनको हिंदी से बिल्कुल परहेज है कोई बात नहीं, चलो उनको जगाए रखने के लिए करना पड़ेगा ठीक है। सो दिस इज अ 2D सिमुलेशन, सो वी ऑल नो अमीबा विच इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो हाउ डाइजेशन अकर्ड इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड इट इज रिलेट्स टू अ प्रोसीजरल नॉलेज, डाइजेशन इज अ प्रोसेस एंड हाउ डाइजेशन इज हैपनिंग इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट प्रोसेस इज रिफ्लेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर सिमुलेशन। सो सिमुलेशन इज अ ब्रॉडर टर्म, AR/VR आर ऑल्सो सिमुलेशन, सिमुलेशन शो अस अ नियर टू रियल इमेज ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्टेक्ट, नॉट रियल बट नियर टू रियल, वेरी क्लोज। हाँ नियर टू रियल विजुअलाइजेशन। जैसे आप लोगों ने अगर प्लेनिटोरियम्स विजिट किए हैं, सो प्लेनिटोरियम्स आर ऑल्सो शोइंग पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स, सिमुलेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स विच आर नियर टू रियल एक्सपीरियंस ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स विच आर बीइंग शोन इन प्लेनिटोरियम्स। सो एनी सिमुलेशन बी इट ऑग्यूमेंटेड रियालिटी, वर्चुअल रियालिटी और दिस प्लेनिटोरियम, सो ऑल दीज शो अस अ नियर टू रियल इमेज ऑफ एनी कॉन्सेप्ट विच इज एब्स्ट्रैक्ट एंड विच रिक्वायर्स अ 2D और 3D इमेजरी। सिमुलेशन के हियर वी विल ऑल्सो सी अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमुलेशन। आई वॉज टॉकिंग अबाउट लैंड फॉर्म फॉर्मेशन एंड अदर लैंड वोल्केनिक इरप्शंस, वी ऑल नो अबाउट वोल्केनिक इरप्शन, कैन वी शो आर स्टूडेंट वोल्केनिक इरप्शंस बट वी कैन शो देम नियर टू रियल एक्सपीरियंस, वी कैन गिव देम अ नियर टू रियल एक्सपीरियंस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन इफ वी यूज ऑग्यूमेंटेड रियालिटी सिमुलेशन विच इज कॉल्ड ऑग्यूमेंटेड रियालिटी। सो देर इज एन ऐप कॉल्ड क्यूअर, QURVER, क्यूअर ऐप विच कैन बी इंस्टॉल्ड इन योर मोबाइल, यू कैन इंस्टॉल इट लेटर एंड देर इज अ क्यूअर वेबसाइट ऑल्सो, सो लाइक यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन, सो देर आर अ लॉट ऑफ स्केचेस लाइक दैट वेर एजुकेशनल स्केचेस आर ऑल्सो देर, लाइक दिस स्केच इज ऑफ अ वॉल्केनो, इफ वी टेक प्रिंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केच and scan it through the QR app, so it will turn into a 3D visualization. You can see a 3D image also and simulation also of volcanic eruption. So this is an screencast video. So we have scanned the sheet and created a screencast video so that it can be
demonstrated in the workshops like this. So let us have experience of it. So now it is being scanned through the app QR. So now you can see the 3D simulation of an volcanic eruption. So we had a near to real experience of an volcanic eruption, which we cannot really have. So areas where volcanic eruptions happen, volcanoes are there, maybe there also people are not able to see it from the experience that we are getting from here through this augmented reality simulation. So you people also mentioned the processes like digestion, respiration, which comes under procedural knowledge. So how that can be visualized through simulations. So we can see here, there are several apps, and there is an app called Biodigital Human, which carries a lot of such processes. So this is the screencast is showing the simulation of digestion. The process of digestion. We can also tilt it so when you are having this experience through the app, you can also tilt this entire So you can also have an experience of diagram as well as simulation. Next is about the respiration system, which I have taken screencast of, but there are a lot of other simulations you will get. So you can see here how lungs are contracting. So we can also tilt it, and in the previous part you have seen the nerves also. We can turn it into a glass image also by clicking on it like you are having here. So this is an image where a lot of kitchen utensils are hidden. So we can just engage our class using this image into an activity where they can identify the kitchen utensils. In a similar such concept, so there is another image where a lot of sports and games articles are hidden. So you can create a lot of narration around such images.
So we can also create photographs as learning resource. So wherever we go, we click a lot of photographs. So whenever you visit any place next time, so click photographs. Apart from clicking your own photographs, click photographs in a way that you can later create them into learning resources. So here are photographs of some birds and animals. With little research on these photographs, they have been created into a good learning resource. So we can play that. So this is a video based on those photographs. Okay. It was just to give you an idea. So how, with what name these species are known, and then what is their scientific name, what is their habitat, what are the migratory habits, if they have any migratory habits also. If we do such research with photographs, then we can create them into a good learning resource. Photographs can also be created into learning resources. Next. Interactive content we can see. Later on we can see animation. So you also mentioned here interactive contents. What are interactive contents? So these are a little gamified content for self-assessment or for group assessment also, like drag and drop kind of gamified assessment items. So you can see here with which a child can interact actually on a device. So this is again a video. Can we put them in four baskets on the basis of their color? Let us try and put them into four. So classification is on the basis of colors. Match animals and birds with their footprints. सब्जियों को खजाएं और बताएं कि वे पौधे का कौन सा भाग हैं जिन्हें हम खाते हैं।
Grandma wants to listen to radio while she cooks along with Grandpa. But her ears. So, example of some interactive content. Next, yeah. We can also see example of a stop motion animation, because you will be also learning a stop motion animation tool, which is a mobile based software. Stop Motion Studio. You can install the app in your mobile. There are some paid features also, but there are a lot of free features also into it. And if you use that particular app, so you can create stop motion animation. So I will be showing you example of an stop motion animation as well. And Kilawat, the interactive content which you watched, so there is a software called H5P. So you will be having an hands-on in H5P also, so that you can create those kind of interactive content also using the software. So let us see a stop motion animation. Although this animation is of professional quality, not developed by app, but the concept is same. It is also developed through the same process which apps allows you to. Okay. Sound. पहले यार मुझे हम शेयर करते हैं ना तो अलाउ साउंड भी आता है। नहीं नहीं पहले गई थी साउंड। नहीं नहीं भाई चेक कर रही थी पहले वाले प्रोग्राम में। पहले किसी ने बोला नहीं, अभी फोन के नहीं। क्या करूँ आप दोबारा शेयर करो, स्टॉप शेयर करो एक बार।
काम मेरा हो जाए, पल में काम मेरा हो जाए, मेहनत भी मेरी बच जाए। हाँ गोल 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 गोल। अब दिस सॉन्ग इज इन हिंदी, वेदर ऑडियो इज देयर और नॉट यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, द पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन, सो रीड द कैप्शंस। चलो गोल 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 गोल। फिर उसने कुछ और फेंका, लट्ठे को टुकड़ों में काटा। हाँ एक धुरी से दो को बांधा, एक धुरी से दो को बांधा, धीरे धीरे किया सुधार। हाँ यूं हो गया पहिया तैयार, यूं हो गया पहिया तैयार, यूं हो गया पहिया तैयार। गोल 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 गोल। पहिया तो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉप मोशन एनिमेशन। So it can also be, it is not an independent resource, but a lot of pedagogy can be integrated with it depending upon the kind of content we plan to discuss along with this particular animation. So we can also talk about pre-historic period, the early discoveries and inventions which happened during that period when human was not able to, he didn't learn the art of writing. So we find no records, written records of that period. So we don't know how wheel was invented. And such is the case of many discoveries and invention, like discovery of fire, discovery of agriculture, and the discovery of wheel. The invention of wheel. So we can just speculate, this might have happened, human might have observed that, and based on this observation, the idea of wheel might have come into the mind of human. But a lot more learning can be aligned to this particular animation, because these early discoveries and inventions, although we don't know the human being who invented these, but they made the pace of human civilization a lot more faster. So because of wheel, now we can reach out to any place on the globe, because an aeroplane also carries a wheel. So the travel and communication became faster because of wheel. Because of agriculture, humans started living a settled life. Not only the settled life, but there are a lot more developments aligned to these settlements. So when settlements started happening, there were disputes also because of the ownership of land. And because of these disputes, a lot of political institutions were formed, like law, like state, the development of state. So all these institutions were also formed because humans started living a settled life. So you have to see at what level you are teaching these processes, these concepts, and accordingly, the same resource you can use, but you can just aligned it to the difficulty level of learning that you are aligning it to.
Then how to integrate a learning resource in the teaching learning plan? So we can use a resource pre-lesson, mid-lesson or post-lesson. So there are three ways. It depends upon the pedagogical plan that we create. We decide to integrate a resource pre-lesson, mid-lesson or post-lesson. So that is how we can integrate resources. And at the end, I would like to show you a small Egyptian Oscar award winning movie. Maybe you might have seen it earlier also. So after that, we will close this session. So watch that movie. The title is The Other Pair. Oh.
So this answers your question of metacognitive content and what was unique about this movie. Can you tell me what is very unique and it is about the message it communicates. Yes, it communicates empathy. Yes. Gave it away. Yeah. Yes. Yes. Right. Yeah. It was effective. So the participants sitting online or lying online. So it conveys a message to them also that language is not a barrier if you want to learn something, because there was no dialogue in this short movie. Only two phrases were used. Come in, boy, the train has arrived. So that is the power of digital media and digital content. So make such content which doesn't require a language also to communicate. So thank you very much. With this, I end this. Thank you. Any questions? So we can have 1 or 2 minutes for questions if you have. Thank you so much, ma'am. On behalf of all the participants, I extend our thanks to Professor Indu Kumar and Dr. Prachi for this session. I hope like we have understood now. This is like a base session for us to start developing the such digital resource. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. We have few instructions.